सालों तक जिनकी सरकारें रही हैं, जिन्होंने कभी गरीबों के बारे में नहीं सोचा, जिन्होंने समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों के बारे में नहीं सोचा कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए माताओं बहनों के जीवन स्तर में कैसे सुधार करना है, कैसे उनको आगे लाना है। वह आप देख रहे थे जब वैक्सीन आ रही थी तो वैक्सीन के बारे में क्या कह रहे थे, कह रहे थे वैक्सीन नहीं लगानी है, वैक्सीन लगाओगे तो आप बीमार पड़ जाओगे, वैक्सीन लगाओगे तो आपको कोई गंभीर बीमारी हो जाएगी और वैक्सीन लगाओगे तो कह रहे थे क्या ऊपर चले जाओगे, कह रहे थे ना, कह रहे थे ये मोदी की वैक्सीन है। तो मेरी बहनों भाइयों बहनों आप देखिए, अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई होती, आपके लिए वैक्सीन नहीं आई होती तो क्या आज आप लोग ये लखपति दीदी मेले में आए होते? जरा बताइए, लखपति दीदी मेले में आए होते अगर वैक्सीन नहीं होती तो? सब अपने अपने घरों में होते, पता नहीं होते भी कि नहीं होते। और ये वैक्सीन भी जो एक वैक्सीन बिना किसी पैसे के लगाई गई निःशुल्क वैक्सीन, दूसरी वैक्सीन वह भी निःशुल्क लगाई गई, तीसरी वैक्सीन वह भी निःशुल्क लगाई गई। जो भी हमारी बहनें आई हैं कोई ऐसा तो नहीं है जिसने वैक्सीन नहीं लगाई है? सबके लग गई है ना? जरा एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए, किस किस को लगी है? कुछ कम लोगों को लगी है क्या इधर? सभी को लग गई है। चलिए, भारत माता की। भाइयों बहनों, आज का यह दौर मातृशक्ति को आगे लाने का दौर है, ये मातृशक्ति का सशक्तिकरण का दौर है, ये सुरक्षा का दौर है। आज का दौर हर क्षेत्र में हमारी महिला मातृशक्ति की सहभागिता का दौर है, हमारी माताओं बहनों का संपूर्ण विकास आदरणीय मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को सार्थक करने का एक अभिन्न अंग है जो प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है। उसमें अगर सबसे बड़ा योगदान कोई दे सकता है तो हमारी माताएं बहनें दे सकती हैं। हर क्षेत्र में आप जहां घर को चलाने का काम करती हैं, बच्चों के लालन पालन का काम करती हैं, वहीं ये स्वयं सहायता समूह स्वरोजगार के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को बनाकर आप भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दे रही हैं। और आपका योगदान ठीक वैसे ही है जैसे भगवान राम जब राम सेतु का निर्माण कर रहे थे तो राम सेतु के निर्माण के समय में उस समय नल नील अंगद जामुन हनुमंत बड़े बड़े इंजीनियर कोई लकड़ी ला रहा था, कोई ईंट ला रहा था, कोई गारा ला रहा था, कोई सीमेंट लगा रहा था, कोई सरिया लगा रहा था, लेकिन वो गिलहरी उन छिद्रों को देख रही थी, उन छेदों को देख रही थी जो छेद बंद नहीं हो पा रहे थे और अपने आप को बार बार बालू में समुद्र में गोता लगाकर बालू में लोटपोट करके उन छिद्रों में बालू डालने का काम कर रही थी। उसी प्रकार की भूमिका हमारी मातृशक्ति की भी है कि जो छिद्र दिखाई नहीं दे रहे हैं उन छिद्रों को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आप सब लोगों ने अपना योगदान देना है। भाइयों बहनों, हमारी उत्तराखंड की सरकार महिलाओं की प्रगति के लिए हर क्षेत्र में सजगता से हर क्षेत्र में कार्य कर रही है। भविष्य में ऐसी कई योजनाओं को और भी हम लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं गणेश जोशी जी को जिन्होंने आज लखपति दीदी मेले का आयोजन किया, हमारे ग्राम्य विकास विभाग को कि इसके माध्यम से जहां हमारी बहनों को लाभ मिलेगा, हमारी मातृशक्ति को लाभ मिलेगा, उनको आगे आने का अवसर मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हम जहां आजीविकाओं को बढ़ाने का काम करेंगे वहीं रोजगार और स्वरोजगार देने का भी काम करेंगे। मैं आज के अवसर पर आप सभी को बहुत बधाई देते हुए अपनी बहनों को बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि आप यहां से जाएं तो ये योजना हमने क्या बनाई है, हमारी सरकार ने कौन सी योजना बनाई है, उस योजना को ठीक प्रकार से समझने की आवश्यकता है। और जो बहनें स्वयं सहायता समूह चलाती हैं, अन्य उपक्रम चलाती हैं, स्थानीय जो हमारे उत्पाद जिनको हम वोकल फॉर लोकल की संज्ञा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है,
हम उसको किस प्रकार से अन्य लोगों को भी इस काम से जोड़ सकते हैं, क्योंकि विद्या एक ऐसा धन है जो हमने सीखा है, अगर हम उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो वो कभी कम नहीं होता है। दूसरे लोगों को भी अगर हम इस रास्ते में लाने का काम करेंगे तो आपको आत्मसंतुष्टि होगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने अपने साथ साथ अन्य बहनों को भी इस काम में जोड़ने का अगर प्रयास किया, आपने इस काम को आगे बढ़ाया, तो आपको आत्मसंतुष्टि तो होगी ही होगी। इसके साथ साथ मैं यह भी कह सकता हूं कि आपका ये जीवन तो सफल हो ही रहा है, ये जीवन में तो आप अच्छे काम कर ही रही हैं, आपके आने वाले सारे ही जीवन सफल होंगे। इसलिए मैं बहुत शुभकामनाएं देते हुए एक बार पुनः स्वयं सहायता समूह की लखपति दीदियों को अनंत शुभकामनाएं एवं बधाई देते हुए आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि आपके भाई के रूप में, आपके बेटे के रूप में हम निरंतर विकास एवं उत्थान के लिए सदैव समर्पित होकर जो भी हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए आप सबके सहयोग से, आप सबके मार्गदर्शन से, आप सबके आशीर्वाद से हम लोग लगातार चीजों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लगातार इन सब कामों को लेकर हम लोग श्रेष्ठ उत्तराखंड को बनाएंगे और 2025 में हमारा ये ग्राम्य विकास विभाग हमारी आप सब बहनों के आशीर्वाद से हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में रजत जयंती वर्ष में शामिल हो। मैं इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।